इसको झूम करिएगा, कुछ नहीं बिता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये देखिएगा, इसके 9 ऑपरेशन हुए हैं इस बच्चे के। तो यहाँ पर ये लैटरिन का रास्ता बनाया था, तो यहाँ पर वो जो पहले साइड है वहां पर लैटरिन का रास्ता बनाया था। लैटरिन एक साल से लैटरिन यहीं से आ रही थी, एक साल से लैटरिन। मैं बेटे की गवाही देने आई हूँ, तो मेरे बेटे नो जवाब मिल चुके से सब पासों, तो मेरे बेटे के 9 ऑपरेशन हुए, तो लास्ट ऑपरेशन करी कहते भी मेरे बच्चे तो जयपुर भर्ती करना है, रेफर कर दिता। असं 2 महीने भर्ती रहे, तो सू रेफर कर परमेश्वर अगर प्रार्थना की, चर्च तू प्रार्थना कराई, तो इतने कॉलेज से मेरे बेटे दे एड्डी गंढ सी, तो 2.5 घंटिया का सफर साढ़ा, तो 2.5 घंटे के एड्डी गंढ प्रार्थना नाल सब सही हो गई। नहीं नहीं फिर तो दसो कि नहीं गांठ गांठ कहां पर थी? 9 ऑपरेशन करा के इसके 9 ऑपरेशन हुए छोटे बच्चे के। कुछ नहीं बेटे, इसको झूम करिएगा, कुछ नहीं बेटा, मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो ये देखिएगा, इसके 9 ऑपरेशन हुए हैं इस बच्चे के। तो गांठ कहां हो गई थी? यहां पे, इस पे यहां थी गांठ। ओके, तो ये यहां पर भी ऊपर भी है कुछ? हां, यहां लैटरिन का रास्ता बनाया था। थोड़ा दिखाना, थोड़ा उसको दिखाएं। नहीं गाना, नहीं बताना क्यों? तो यहाँ पर ये लैटरिन का रास्ता बनाया था, यहाँ पे। तो यहाँ पर वो जो पहले साइड है वहां पर लैटरिन का रास्ता बनाया था। लैटरिन एक साल से लैटरिन यहीं से आ रही थी, एक साल से लैटरिन यहाँ से आ रही थी। देखो छोटा बच्चा, 9 ऑपरेशन, लैटरिन के लिए गांठ जो रास्ता था पेट के ऊपर से बना हुआ है, और गांठ कहां पर होगी थी फिर? यहाँ पर गांठ होगी थी, इतनी थी। सही से हाथ बताओ, लाइव चल रहा है, इतनी बड़ी गांठ, इतनी बड़ी गांठ। लास्ट ऑपरेशन किया था जिसका लैटरिन वाली नाड़ नीचे घुमाई थी, उसकी वजह से यहाँ पे गांठ बन गई। ओके, गांठ बन गई, तो वो बोले जवाब बोलो, जवाब दे दिए, वो बोले जयपुर ले जो। हम 2 महीने लगातार हम बैठे रहे बीकानेर में, तो वहाँ पे हमें जवाब मिल गया। फिर हमने परमेश्वर से यहाँ पे प्रार्थना कराई, कुलदीप भाई जी उसकी द्वारा प्रार्थना कराई, तो यहाँ 2.5 घंटे में मैं बोला परमेश्वर जी मैं अब जयपुर नहीं जाऊंगी, मुझे घर जाना है, 2 महीने हो गए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। 2 महीने हॉस्पिटल में रहे? हाँ, मैं लगातार 2 महीने लगातार 2 महीने हॉस्पिटल में रहे लगातार। मैं 31 दिसंबर को गई थी और 3rd महीने की मैं लास्ट तारीख पे आई थी, तो वहाँ परमेश्वर बोले मैं अब तेरे पे विश्वास करके मैं घर ले जा रही हूँ। इसकी 2.5 घंटों का सफर था हमारे घर से, तो आपके घर से बीकानेर का सफर 2.5 घंटे, हॉस्पिटल का सफर 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का था। 2.5 घंटों में इसकी गांठ एकदम सही हो गई। नहीं, 2.5 घंटों में जब आप रास्ते में थे तो रास्ते में गांठ सही होगी, रास्ते में गांठ अपने आप सही होगी। तब यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, 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 परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। छोटे से बच्चे के 9 ऑपरेशन हुए, यहां से नाड़ी निकली बाहर, यहां से नाड़ी निकली बाहर। ये बच्चे की फोटो है उस समय की, दिखाओ उसको। Oh, 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 oh
मैं चाहता हूँ सब लोग अपना हाथ इस बच्चे की ओर बढ़ाएं। सब लोग वहां से जितने लायक हैं वो भी अपना हाथ इस बच्चे की ओर बढ़ाएं, इसकी अच्छी सेहत के लिए और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। जीते परमेश्वर पिता, आज इस बच्चे को हम आपके हाथों में अर्पण कर देते हैं। ये बच्चा जीवन भर आपका बना रहे, ये बच्चा जीवन भर आपका बना रहे और जीवन भर आपकी इच्छा को पूरी करे। हे परमेश्वर मसीह जी, इस बच्चे की उम्र को, आयु को लंबा करें, इस बच्चे की आयु को लंबा करें। आज के बाद कोई भी बीमारी तंग ना करे, कोई भी दुष्टात्मा से तंग ना करे। परमेश्वर पिता इस बच्चे पे दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर मसीह जी। और सब लोग कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नो ऑपरेशन हुए बच्चे के, छोटा सा बच्चा उतरा, दो दिन में हॉस्पिटल में ही बैठे रहे। वो आत्मा है परमेश्वर जो चलाई देने वाला है। अनुग्रह से, प्रभु की दया से प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं जब मेरे पेशे बच्चे दे ऑपरेशन करा के आंदी सी ना, ते दो महीने मंजी उत्ते पिया रहिंदा सीगा, ते दो महीने बाद फिर चलना चालू करता सीगा। इंदा हर वारी यही हाल हुंदा सीगा, ते परमेश्वर ने बल दिता है, ते मैं परमेश्वर दा ते दिल तू धन्यवाद करदी हां। हालेलुया। तो एक बार ऑपरेशन करवाते थे जब, तो दो महीने मंजी पे रहता था, फिर ऑपरेशन कराते थे, फिर जब भी ऑपरेशन कराते थे दो महीने मंजी पे रहता था, और अब ऑपरेशन के बाद ये दो महीने बाद चलने लग जाता है। हाँ, तो अब ये प्रार्थना कराने से सब सही हो जाए, प्रार्थना कराने से सब सही है। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं।